हेलो एंड नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपको बताऊं कैसे आप अपने YouTube वीडियो का डिस्क्रिप्शन ले सकते हैं विद SEO के साथ। तो बनाना वीडियो के लास्ट तक आपको बिल्कुल स्किप करके नहीं देखना है, नहीं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। मैं आपको डिस्क्रिप्शन इन डिटेल आपको बता रहा हूं, जीरो से लेके एडवांस तरीके से आपको डिस्क्रिप्शन लिखना बताऊंगा। क्या क्या चीज डिस्क्रिप्शन में नहीं लिखी जाती है, क्या क्या चीज लिखी जाती है, वो सब चीज मैं बताऊंगा। आपको कौन कौन सी गलती नहीं करनी वो भी मैं आपको साथ में बताते आऊंगा। तो अभी हम चलते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। तो जैसे दोस्तों हम आ गए अपने मोबाइल की स्क्रीन पर, मोबाइल की स्क्रीन पर आने के बाद आप जिस वीडियो आप डिस्क्रिप्शन में लिख रहे हैं ना, तो उसको लेना आपको ओपन। यहाँ पे मैंने डिस्क्रिप्शन को लिया ओपन। अब हमको यहाँ पे अपने डिस्क्रिप्शन लिखना है, तो सबसे पहले आपको लेना जो आपके वीडियो का जो टॉपिक है ना, वो आपको यहाँ पे कॉपी कर पेस्ट कर देना है। तो यहाँ पे मेरा वीडियो का टॉपिक है, मेरे वीडियो का टॉपिक है यूट्यूब वीडियो डिस्क्रिप्शन। तो जैसे दोस्तों मैंने अपने यहाँ वीडियो टाइटल यहाँ पे कर दिया पेस्ट। अब पेस्ट करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे क्या लिखना है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आपको 160 वर्ड लिखने पड़ेंगे। अगर आप कंप्यूटर का यूज करते तो आपने देखा आप किसी वीडियो सर्च करते हैं, उसमें हमारे टाइटल के नीचे कुछ लिखा हुआ आता है, वो डिस्क्रिप्शन होता है हमारा, 160 वर्ड लिखे हुए आते हैं। तो वो भी ज्यादातर लोग उस पर भी ध्यान देते हैं, तो वो आपको यहाँ पे लिखने पड़ेंगे। आपको वो लिखने कैसे हैं मैं आपको बताता हूँ। जैसे मेरी वीडियो टाइटल है YouTube वीडियो डिस्क्रिप्शन है, तो मैं क्या करूँ YouTube पे आकर सर्च करूँगा YouTube वीडियो डिस्क्रिप्शन, जो टॉप 5 वीडियो होंगी ना उनके टाइटल है ना, उनके टाइटल कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, ऐसा कर लूंगा। तो जैसे मैंने आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे वीडियो आ चुकी हैं। सबसे पहले ये वाली है एलगिरो भाई की है, फिर हमारी ये वाली है और फिर ये है। तो आपको करना है ये टॉप 5 वीडियो, इनके जो वीडियो टाइटल है ना इनको आपको कर लेना कॉपी। कॉपी करने के बाद आपको डिस्क्रिप्शन में कर देना पेस्ट, अपने टाइटल नीचे आपको पेस्ट कर देना स्टेप बाय स्टेप। तो ऐसे आपको करना है। फिर उसके बाद आपको करना क्या है मैं आपको बताता हूँ। फिर आपको लिखना है योर क्वेश्चन लिख के उसके नीचे कुछ कीवर्ड लिखना है 15 से 20 कीवर्ड आपको मिलेंगे। कहाँ से वो मैं आपको बताता हूँ। आपको यहाँ पर सर्च कर लेना है यूट्यूब पर। जैसे मैंने यहाँ पर सर्च कर लिया यूट्यूब वीडियो डिस्क्रिप्शन, तो आप यहाँ पर देख सकते नीचे बहुत सारे कीवर्ड आ रहे हैं, यहाँ पर बहुत सारे कीवर्ड आ रहे हैं, इनको कर लेना। आपको स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले लेना है। अब स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपको इनको पेस्ट का करना मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपको बैक कर लेना है। अब बैक करने के बाद आपको ये वाली एप्लीकेशन कर लेनी है डाउनलोड। इसके एप्लीकेशन का नाम है कॉपी टेक्स्ट ऑन स्क्रीनशॉट। इसको कर लेना आपको ओपन। अब ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर गैलरी का ऑप्शन दिख रहा होगा नीचे, इस वाली गैलरी का ऑप्शन, इसको आपको करना है क्लिक करना है। अब क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर गैलरी पे क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद जो आपका स्क्रीनशॉट आपने खींचा था ना, उसको यहाँ पर सेलेक्ट कर इसको यहाँ से हम ऐसे कर लेंगे। हाँ, तो ऐसे हमको कर लेना। ऐसा करने के बाद आपको यहाँ पे राइट वाले आइकन पर कर लेना आपको क्लिक। तो ये थोड़ा लोडिंग लेगा, फिर आपको यहाँ पे दोबारा से करना है क्लिक, थोड़ा आपको ऊपर करना है ये, फिर आपको यहाँ पे सेलेक्ट ऑल कर लेना है, इसको कर लेना कॉपी। अब कॉपी करने के बाद हम चलते हैं अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर। टाइटल होने के बाद आपको जो टॉप 5 वीडियो उनके टाइटल कॉपी कर यहाँ पे पेस्ट कर लेने हैं, वो तो अभी मैंने करे नहीं, वो काम आपको कर लेना है। फिर आपको यहाँ पे एंटर कर यहाँ पे लिखना है योर क्वेश्चन लिख देना है। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ योर क्वेश्चन, फिर आपको एंटर कर देना है। स्क्रीनशॉट के कीवर्ड कॉपी कर रहे थे ना, वो हमको यहाँ पे कर देना है पेस्ट। अब पेस्ट करने के बाद यहाँ पे आपको एक गलती नहीं करनी बिल्कुल भी, नहीं तो आपका चैनल मोनेटाइजेशन नहीं होगा। यहाँ पर आप कॉमा वाला ला देते हैं, ऐसे हम ये लिख दिया, इसको लिखने के बाद हम कॉमा ला देते हैं, फिर लिख देंगे, फिर एक कीवर्ड लेते हैं, फिर कॉमा ला देंगे। तो ऐसा आपको नहीं करना, नहीं तो आपका चैनल मोनेटाइजेशन नहीं होगा। तो ये गलती आपको भूलकर भी नहीं करनी है। तो यहाँ पर हमारा कीवर्ड लिख चुके हैं, यहाँ पर आपको खाली 15 से 20 कीवर्ड लिखने हैं, इससे ज़्यादा नहीं लिखने हैं। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया, इसको फिर मैं एंटर करता हूँ। अब आपको लिखना है यहाँ पे चैप्टर्स। चैप्टर क्या होते हैं मैं आपको बताऊँ, ये आपको SEO में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। वो पहले मैं लिख लेता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। तो जैसे फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं 00 सेकंड में मैंने आपको बताया अपना इंट्रो, फिर मैंने आपको 1 मिनट पर आपको बताया है कि YouTube वीडियो डिस्क्रिप्शन आपको कैसे लिखना है। फिर मैंने 4 मिनट पर आपको कॉल टू एक्शन दिया, मैं सब्सक्राइब करने के लिए बोला है। तो ऐसा आपको चैप्टर लिख लेना है, आपको कौन सी मिनट पर आपने कौन चीज बताइए तो वो चीज आपको ऐसे लिख लेनी है। फिर आपको लिखना है हैशटैग। आपको 15 से ज्यादा नहीं लिखने हैं, अगर आप 15 से ज्यादा हैशटैग लिखोगे तो आप स्कैम में जाओगे, इसलिए हमको 15 से कम ही लिखना है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप 10 ही हैशटैग लिखें, इससे ज़्यादा लिखें नहीं। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ हैशटैग। तो यहाँ पे आपको अपनी वीडियो से रिलेटेड हैशटैग लिखने हैं। तो सबसे पहले वाला हैशटैग मैं लेता हूँ यहाँ पे यूट्यूब। तो जैसे फ्रेंड यहाँ पे मैंने 3 हैशटैग लिख लिए हैं, हैशटैग यूट्यूब, हैशटैग यूट्यूब वीडियो डिस्क्रिप्शन और हैशटैग यूट्यूब ग्रोथ। तो यहाँ पे मैं 3 ही हैशटैग लिख लिए हैं, मैं खाली 3 ही लिखता हूँ, या 3 से 4 या 5 ही लिखता हूँ, इससे ज़्यादा लिखता नहीं है।
फिर आपको यहाँ पे लिखने के बाद आपको यहाँ पे जो आपकी कैटेगरी में बड़े बड़े यूट्यूबर हैं उनको आपको यहाँ पे मेंशन करना है। ऐसे यहाँ पे मेंशन कर लेता हूँ, तो यहाँ पे मैंने मेंशन कर लिया मनोज देख सर को। सबसे बड़ी कैटेगरी में हमारे यही यूट्यूबर हैं, इनको मैंने यहाँ पे मेंशन कर लिया है। ऐसे आप यहाँ पे 3-4 लोगों को यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। आपको 10 से ज्यादा लोगों को मेंशन नहीं करना है। इससे ज्यादा अगर आप मेंशन करो तो आपकी स्ट्राइक वगैरह पड़ सकती है। अब मेंशन करने से आपको यहाँ पे फायदा क्या होने वाला है, अगर आप जो बड़ी अगर आपकी कैटेगरी में जितने बड़े बड़े यूट्यूबर हैं आप उनको मेंशन करो ना, तो उनके ऑडियंस तक आपकी वीडियो पहुंच जाएगी, जिससे आपकी वीडियो पर क्लिक करके वो भी वीडियो आपकी दे सकते हैं। ये आपको यहाँ पे फायदा होने वाला है। अगर आप यहाँ पे वीडियो के लास्ट तक रोके तो यहाँ पे आपको मैं टिप देना चाहूंगा। डिस्क्रिप्शन के लास्ट में आकर आप अपने वीडियो के यहाँ पे लिंक भी दे सकते हैं और प्ले लिस्ट के भी लिंक दे सकते हैं, और यहाँ पर आप अपने सोशल मीडिया के यहाँ पे लिंक दे सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा डिस्क्रिप्शन हो चुका है यहाँ पर रेडी। अब रेडी होने के बाद यहाँ पे आपको मैं एक चीज बताना चाहूंगा, जैसे कि आपको डिस्क्रिप्शन में कोई चीज बार बार लिखनी पड़ती है तो उससे आपको कैसे छुटकारा पाना है वो भी चीज मैं आपको बताता हूँ। आपको आना क्रोम पर। अब क्रोम पर आ जाने के बाद आपको यहाँ पर आपको अपना यूट्यूब को लेना सर्च, आपको उसको लेना है डेस्कटॉप साइड पर। डेस्कटॉप साइड पर करने के बाद आपको यहाँ पे अपने लोगो पर करना है क्लिक, आपको जाना है योर चैनल पर, फिर आपको कस्टमर चैनल पर कर देना क्लिक। कस्टमर चैनल पर क्लिक करने के बाद आप अपने वाइट स्टूडियो में हो जाओगे ओपन डेस्कटॉप साइड पर। फिर आपको जाना सेटिंग वाले ऑप्शन पर, यहाँ पर मैं दिखाता हूँ आपको जूम कर। यहाँ पर आपको साइड में कोने में एक सेटिंग ऑप्शन दिखेगा ये वाला, इसको आपको करना है क्लिक। अब क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस है, आपको उसको थोड़ा छोटा कर लेना है। आपको जाना है यहाँ पे अपलोड डिफॉल्ट पे करना है क्लिक। अब क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन का यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको लिख रहा होगा डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है। जैसे आप जो भी चीज़ आप बार बार अपने डिस्क्रिप्शन में वो आपको यहाँ पे कर देना है पेस्ट। तो उससे क्या होगा, जब भी आप वीडियो अपलोड करोगे ना तो वो ऑटोमेटिकली अपने डिस्क्रिप्शन में ऐड हो जाएंगे, ये आपको यहाँ पर फायदा हो जाएगा। फिर वो चीज़ यहाँ पे पेस्ट करने के बाद आपको यहाँ पे कर देना सेव पर क्लिक, तो वो चीज़ यहाँ पर आपके सेव हो जाएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो कर देना लाइक, चैनल कर लें सब्सक्राइब, बेल आइकन पर कर लें प्रेस। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आगे आप किस टॉपिक वीडियो चाहते हैं कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक के लिए बाय बाय।